नमस्कार। रिसेंटली कल्चर मिनिस्ट्री ने पिछले 2 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की। यह पुरस्कार 2019 के लिए ओमान के लेट सुल्तान काबूस बिन सैद को तथा बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। आइए समझते हैं कि गांधी पीस प्राइज क्यों और किसे दिया जाता है, एवं समझेंगे कि सुल्तान काबूस बिन सैद तथा मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सन 1995 में महात्मा गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना गांधी जी के शांति सिद्धांतों के प्रति भारत सरकार की श्रद्धांजलि थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीके के द्वारा प्राप्त किया हो। यह पुरस्कार सभी के लिए है, फिर वह चाहे किसी भी नेशनैलिटी, क्रीड, रेस और सेक्स से बिलोंग करता हो। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए की धनराशि, 1 प्रशस्ति पत्र जिसे साइटेशन इन स्क्रॉल बोला जाता है, 1 उत्तरीय उसे इंग्लिश में 1 प्लेक बोलते हैं, साथ ही साथ 1 ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम दिया जाता है। अब हम समझेंगे कि यह कैसे डिसाइड किया जाता है इस वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार देना चाहिए। तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी यानी एक जूरी होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर एवं हर साल 1 प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एवं बात करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष इस कमेटी में इनवाइटेड मेंबर्स थे सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर श्री बिंदेश्वर पाठक जी। अब तक अर्थात 2020 को मिलाकर यह अवार्ड 19 लोगों को दिया जा चुका है। कई बार 2 लोगों को साझा विजेता घोषित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस नियरे थे। जर्मनी के फेडरल रिपब्लिक के डॉक्टर गेरहार्ड फिशर, रामकृष्ण मिशन, बाबा आमटे संस्था के श्री मुरलीधर देवदास आमटे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू, श्री चंडी प्रसाद भट्ट और भारतीय अनुसंधान संगठन के नाम शामिल हैं। यदि बात करें रिसेंटली विनर्स की, तो साल 2015 में विवेकानंद केंद्र, साल 2016 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा भारत और सुलभ इंटरनेशनल। अगर बात करें 2017 की, तो उसमें एकल अभियान ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया तथा 2018 में जापान के योही साकावा, जो निप्पोन कंपनी के संस्थापक है, जैसे प्रोमिनेंट लोगों को दिया जा चुका है। अब समझते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान एवं कुबूस बिन सैद अल सैद को गांधी पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हें बांग्लादेश का जातिर पिता या जातिर जनक, इसका मतलब होता है फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म उस समय के इंडिया के गोपालगंज जिले में तुंगी पारा गांव, जो कि अब बांग्लादेश का
का पार्ट है। मैं 17 मार्च 1920 को हुआ था और उनका निधन 15 अगस्त 1975 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। वर्ष 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। वह एक बंगाली नेता थे जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री 1972 से 1975 और वर्ष 1975 में वह वहाँ के राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अवामी लीग के को फाउंडर के रूप में शुरू की। इन्होंने उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए आवाज़ उठाई एवं उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था। इनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, क्योंकि इन्होंने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में अपना योगदान दिया था। शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी और इंस्पिरेशन दोनों देशों के संबंधों, यानी भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों को अधिक व्यापक और गहन किया। उन्होंने जो विजन देखा था कि दोनों देशों में एक साझेदारी, प्रगति और समृद्धि बनी रहे, और उसके लिए उन्होंने इसकी नींव रखी। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को चुना गया। इन्होंने अरब वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले रूलर रहे। इन्होंने लगभग हाफ सेंचुरी तक ओमान पर शासन किया। 1970 में अंग्रेज़ों की मदद से ओमान में तख्ता पलट किया और 29 वर्ष की उम्र में ओमान के सुल्तान बने। सईद अल सईद एक विजनरी लीडर्स थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम और मध्यस्थता की नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा और सम्मान दिलाया। भारत के संबंध में इनको भारत और ओमान के बीच में विशेष संबंधों का वास्तुकार भी माना जाता है। एवं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन्होंने भारत में अध्ययन किया था तथा सदैव भारत के साथ विशेष संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। यदि बात करें गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए, तो भारत एवं ओमान के बीच रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए और गल्फ कंट्रीज में शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को यह पुरस्कार मान्यता देता है। अब आपसे एक सवाल कि गांधी शांति पुरस्कार से मिलता जुलता एक और पुरस्कार है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। क्या आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस लिए दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।